कुछ गुंडे लोग जॉन क्लाइन नाम के बंदे को मारना चाहते हैं, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आता। वो हर बार उन लोगों को बेवकूफ बनाता है। उसका दूसरा दोस्त जिसका नाम जुको कुमालो है, वो एक सिंपल लाइफ जीने का फैसला करता है और वो ये सब मारकाट सब कुछ छोड़ देना चाहता है और वो छोड़ देता है। जुको उसकी बीवी और उसका एक बच्चा है उसके साथ रहते हैं और वो एक गैरेज में काम करता है। वह इंटेलिजेंस जॉन क्लाइन को खोजने की जीत तोड़ कोशिश कर रही होती है। जॉन क्लाइन जुको से मिलता है और उसे एक लॉकर की चाबी देते हैं। जॉन क्लाइन वहाँ से कार लेकर जाता है, लेकिन इंटेलिजेंस के लोग उसके पीछे होते हैं। वो एक जगह कार खड़ी करके अपने आप को गोली मारकर मर जाता है। वह इंटेलिजेंस के लोग जुको पर नजर रखते हैं। जुको उसकी बीवी के साथ बात करता है और वहाँ से दूसरे देश जाने के लिए एयरपोर्ट पर जाता है। वह एयरपोर्ट पर इंटेलिजेंस के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ रिपोर्टर उसके इसकी तहकीकात करते हैं। जुको अपने वादे के लिए वो मिशन पर जाता है। वह इंटेलिजेंस के लोग जुको को बीवी को मार देते हैं। जुको एक बाइक लेके वहाँ से निकलता है, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे लोग के साथ भिड़ता है और वहाँ से बच उस गुंडे तक पहुँचता है और वहाँ मारदार एक्शन होती है। वहाँ भी इंटेलिजेंस के लोग आते हैं। वहाँ उस विलन को एक लड़की निपटा देती है। वो लड़की जुको को मारने की कोशिश करती है, तभी एक लड़की पीछे जाती है और उस लड़की को मार देती है। मूवी एंड होती है। ओवरऑल मूवी में थोड़ा एक्शन, एक सिंपल सी स्टोरी देखने को मिलेगी। ये मूवी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई,